G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के बियारी तज पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के चार बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। कहा है कि प्रधानमंत्री फ्रांस के बियारी तज शहर में है जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी दुनिया के नेताओं के साथ अलग से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मोदी आज सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल, जर्मन चांसलर एंजेला मार्कर, चिली के राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा से भी मिलेंगे। यूएई और बहरीन की अपनी यात्रा के बाद एक बार फिर फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी। फ्रांस के बियारिज में आज G7 देशों के शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मोदी को यूएई के सर्वोच्च सम्मान से बौखलाया पाकिस्तान। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा, बेहद दुखी है देश। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी की चार देशों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। G7 सम्मेलन में क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी पर भी होगी चर्चा। आईएनएक्स मीडिया मामले पर 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म होने पर आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की फिर कोर्ट में पेशी। दिल्ली के राउस अवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम पर ग्रुप को $305 करोड़ के विदेशी फंड लेने के लिए FIPB की मंजूरी में कई तरह की अनियमितता बरतने का है आरोप। मामले में चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी भी हैं आरोपी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मामले में पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर आज तक ही है सुप्रीम कोर्ट की रोक। आज सुप्रीम कोर्ट भी ईडी और सीबीआई की ओर से दायर दोनों मामलों की करेगा सुनवाई। दिवंगत अरुण जेटली की अस्थियों को आज हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे अस्थियों को हरिद्वार लाया जाएगा। अस्थि प्रवाहित करने के मौके पर परिवार वालों के अलावा बीजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक मंदिर के पास अचानक हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब मंदिर के पास कुछ मजदूरों को एक अज्ञात चीज मिली और उसे खोलते ही वो फट गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर सचिवालय पर लहराया तिरंगा। सचिवालय से हटाया गया राज्य का झंडा। सभी सरकारी दफ्तरों में भी तिरंगा ही लगाया जाएगा। बात में पीएम ने कहा, भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और वो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 23 सितंबर को वोटिंग, 27 सितंबर को आएंगे नतीजे। सपना टेरर फंडिंग मामले में सीएम कमलनाथ ने तलब की रिपोर्ट। 2 साल बाद दोबारा गिरफ्तारी पर खड़े किए सवाल। बोले, 2017 में तत्कालीन सरकार के फैसले की होगी समीक्षा, संरक्षण देने वालों का होगा पर्दाफाश। सात पक्ष में तर्पण करने वालों को कमलनाथ सरकार का तोहफा। बिहार के गया के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। 23 सितंबर को दिखाई जाएगी हरी झंडी। आज आगर मालवा के बड़ोद जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ प्रभावित किसानों की फसलों का लेंगे जायजा सरकार के। राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकार के समर्थन में संजय दत्त ने वीडियो जारी कर शुभकामनाएं दी। लंबे समय से राजनीतिक गलियारे से दूर रह रहे संजय दत्त का इस तरह शुभकामनाएं और समर्थन में आने से कई तरह के क्यास लग रहे हैं। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरा एम्स में भर्ती है। सराय कालेखा की ओर से रॉन्ग साइड फ्लाईओवर पर चढ़े स्कूटी सवार 2 युवक स्कूटी फिसलने से 25 से 30 फुट नीचे गिर गए थे। नक्सलियों पर नकेल के लिए गृह मंत्री की आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की होगी समीक्षा। देशों में बाघों की संख्या प्रतिवर्ष 6% की दर से बढ़ रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक रिसर्च में बात सामने आई, लेकिन बाघ अपने कुल आवास क्षेत्र के 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से केवल 88,985 वर्ग किलोमीटर तक में ही सिमटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से लोकसभा के बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ में पढ़े कसीदे। मंडावी ने सीएम की तुलना भगवान कृष्ण से की। जम्मू कश्मीर के हालात पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का राज्यपाल पर निशाना। कहा, सत्यपाल मलिक को बना देना चाहिए बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। पटना में लालू यादव के घर पर पूर्व सैनिकों ने किया हंगामा। बक्सर में पूर्व सैनिक के बेटे की हत्या के मामले को लेकर तेजस्वी यादव से मिलने आए थे पूर्व सैनिक। 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी तेजस्वी ने मिलने से कर दिया इनकार। बिहार के गया में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला। पंचायत पर पीड़ित सिर के बाल कटवा कर घुमाए जाने का आरोप। जाँच के बाद पुलिस की कार्रवाई का भरोसा।
कोलकाता में दिन दहाड़े एक और मॉडल उत्पीड़न, टेलीविजन अभिनेत्री जूही सेन और उसके माता पिता को पेट्रोल पंप पर परेशान किया गया। यूपी के देवरिया में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यापारी की हत्या, डीजे बंद करने को कहने पर व्यापारी को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। पंजाब के कोटकपुरा से कनाडा गए एक स्टूडेंट की मौत, 1.5 साल पहले ही पढ़ाई के लिए गया था थाकनाडा। कनाडा पुलिस के मुताबिक जहर की वजह से हुई मौत, जबकि घर वालों ने बताया मर्डर। यूपी के फरुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के धार में बाढ़ जैसे हालात, नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के बाद धार के प्रसिद्ध कोटेश्वर धाम में बाढ़ का पानी पहुंचा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं, वे जानते हुए जरा सी भी चूक कभी भी हादसे में तब्दील हो सकती है। नदी के तेज बहाव में बच्चे स्टंटबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी बारिश के कारण कई इलाकों का सड़क से संपर्क टूटा, नेशनल हाईवे 69 पर भी यातायात प्रभावित, धार और सूखी नदी में बाढ़ के कारण भोपाल से संपर्क टूटा। अरबपतियों के मामले में भारत अपने तीसरे स्थान को आने वाले दिनों में भी बरकरार रखेगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे ज्यादा अरबपतियों की सूची में भारत का तीसरा स्थान आगे भी कायम रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI आज से अपने फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों को 0.5% तक घटा रहा है। रिजर्व बैंक के बाद दूसरे बैंक भी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में सालाना खाते को अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस बैठक में केंद्रीय बैंक के आर्थिक हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये प्रदर्शन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा में बदल गया। 19 साल में पहली बार बड़े कर्ज के बोझ से दबा पाकिस्तान, $40.2 trillion हुआ कर्ज, एक साल के भीतर इसमें 10.3 trillion का इजाफा। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली रागनी मार्को और पंजाब के सुखबीर सिंह ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के मिक्स डबल में जीता गोल्ड। मैड्रिड में हो रही चैंपियनशिप में इस जोड़ी ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की एंड्रिया वलारो और जेने होन्सबर्गर को हराकर तिरंगा लहराया।